Assalamu alaikum. I'm Dr. Sabeen Adil, your lactation consultant, and I'm here to talk to you guys today about the size of your baby's tummy. ये बहुत common problem होती है कि newborn babies आप उनको दूध पिला रही होती हैं, आप अभी hospital में भी हैं even, और and you look at your milk production and you feel that अबे दूध तो बहुत कम है, और even nurses और doctors आपको आके देख के check करके बता देते हैं आपका तो दूध बहुत कम आ रहा है, so your baby needs to be supplemented with formula. So I want to talk to you guys about that कि एक newborn baby का tummy size क्या है और उसके हिसाब से उसको कितने दूध की ज़रूरत है. तो वी स्टार्ट विद डे वन. डे वन में आपके बेबी का टमी जो है वो एक अंगूर के जितना है, इतना छोटा है. इसकी कैपेसिटी तकरीबन 5 मिलीलीटर मतलब कि 1 टीस्पून के बराबर है. एंड यू कैन इमेजिन कि क्योंकि वो इतना छोटा सा है तो वो भर जाता है दूध से. एक तो ये कि न्यूबॉर्न बेबी है वो आहिस्ता आहिस्ता दूध पीता है, उसको टाइम लगता है दूध लेने में, इतना पेट भरने में, और फिर काफ़ी जल्दी वो पेट खाली भी हो जाता है. वो बहुत जल्दी उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसकी वजह से वो फिर से बहुत जल्दी भूखा हो जाता है. सो इफ़ योर न्यूबॉर्न बेबी इज़ आस्किंग फॉर मिल्क अगैन एंड अगैन एंड योर न्यूबॉर्न बेबी इज़ टेकिंग अ रियली लॉन्ग टाइम इन टेकिंग अ फीड, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं. और याद रखें कि उसको सिर्फ इतने से दूध की ज़रूरत है. अगर आप उसको बॉटल में 1 आउंस पूरा भर के या 2 आउंस पूरा भर के दूध दे देंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. उसको वो सिर्फ उसको बाहर निकाल देगा या वो उसको अंदर नहीं जाएगा. ओके, नेक्स्ट, इसके बाद डे वन से लेकर डे टू और थ्री तक आपके बेबी का टमी साइज इतना है, बट बाय डे थ्री आप नोट करेंगे कि आपकी मिल्क प्रोडक्शन एज इन आपके ब्रेस्ट का साइज एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट योर ब्रेस्ट आर प्रोड्यूसिंग हैज़ इंक्रीज. उसकी वजह यह है कि इन कोरिलेशन आपके बेबी के टमी का साइज भी इंक्रीज हो गया है और अब वो इतना बड़ा हो गया है. इट हैज़ एनलार्ज्ड, इट हैज़ एक्सपेंडेड टू अबाउट 25 ml. हाँ, मैंने सही कहा, 25 ml. ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्यों हुआ है, दोनों चीज़ें एक वक्त में हुई हैं कि आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ गई है वॉल्यूम में और आपके टमी का बेबी के टमी का साइज भी बढ़ गया है. सो दैट विल फ्लो लाइक दैट. ठीक है, ये एक्सपेंशन जो है वो होती चली जाएगी इंशाल्लाह जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो कर रहा है एंड इवेंचुअली बाय डे 10 द टमी साइज विल रीच दिस द साइज ऑफ अ पिंग पोंग बॉल. ठीक है, सो वो आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे बेबी की टमी का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट शी टेक्स इन वन फीड इंक्रीजेज एंड दैट गिव्स यू अ लॉन्गर गैप. ठीक है, इसीलिए मूविंग फ्रॉम अ ग्रेप टू अ टेनिस बॉल आप नोट करेंगी कि द गैप बिटवीन फीड्स विल इंक्रीज अ बिट. बट अभी भी याद रखिए 10 दिन का बच्चा सिर्फ इतना सा टमी का साइज है, इसलिए प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ढेर सारा दूध पिएगा या वो बहुत देर तक दूध पीता रहेगा. ठीक है, या वो बहुत देर तक दूध नहीं पिएगा, गैप देगा. डे 1 महीने तक आपके बेबी का टमी जो साइज इंक्रीज हो रहा था अब जो है दैट वुड रीच द साइज ऑफ एन एग. ठीक है, सो दिस इज अ 1 month old बेबीज टमी साइज. अभी भी आप नोट करें कि आपको जो यूजुअली रिकमेंडेशन हैं फॉर्मूला दूध पिलाने की वो कितनी ज़्यादा है. राइट, वो बहुत ज़्यादा ओवर मतलब दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बेबीज टमी साइज. सो अब जाके तकरीबन 100 ml का हुआ है 1 महीने की एज में जाके. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये फीलिंग हो कि ओ ये इतना कम गैप क्यों देता है 2 फीट्स के बीच में, या शुरू में न्यू मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में प्लीज़ रिमेंबर दिस विजुअल. हाँ, दिस इज़ हाउ बिग योर बेबीज टमी इज, द साइज ऑफ अ ग्रेप एंड इट मूव्स फ्रॉम साइज ऑफ अ ग्रेप टू द साइज ऑफ बॉल कैप बॉटल कैप डे 3, डे 10 एंड 1 month. ठीक है, आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू दिस विजुअल रिप्रेजेंटेशन. टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप हमसे मिलूंगी. थैंक यू एंड खुदा हाफिज़.